वहां तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं मैं। वो कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। परी कहां उड़ा? इसको धागा वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। एक चोट पड़ी और ठेस लगे मेरे सोने पिया मैं हार गई। से मेरी मोहब्बत छीनी बाबा आपने। भाई क्या है? आपके लिए बादाम लाई हूँ। अच्छा रख दो। कहाँ रखूँ? सर पे मेरे। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया। क्या कर रही हो तुम? खुद ही तो बोला सर पे रख दो। मैं कहूँगा कुएं में छलांग लगा दो तो तुम लगा दोगी क्या? ओके फाइन सॉरी। फरीक कम ऑन फरीक। क्या कर रहे हैं आप? फुटबॉल खेल रहा हूं। वैसे नहीं यार अंडा बना रहा हूं। क्या करने हो यहाँ पे? फरी कहाँ है? नहीं है। कहाँ गई है? बाहर गई है शॉपिंग पे। और पप्पू? वो भी इसके साथ गए हैं। साथ में अबू भी गए हैं। और कुछ नहीं। ये तो जल गया है। तो मुझे जला वांडा पसंद है। तुम्हें खाना है बनाओ। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको जला वांडा बिल्कुल नहीं पसंद। बल्कि पप्पू ने बताया कि जब अंडा जल जाता है तो आप आसमान सर पे उठा लेते। आपको हाफ फ्राई अंडा पसंद है? हाँ तो आज विराट जला वांडा खाने को दिल चाह रहा है। प्रॉब्लम कुछ? प्रॉब्लम है मैं आपको जला वांडा बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। पप्पू आएंगे तो कहेंगे मेरे बेटे को तुमने जला वांडा खाने कैसे दिया। वो डांटेंगे मुझे। हटे पीछे हटे। क्या क्या पीछे हटे? क्या करें? मैं बनाऊ। हटे हटे। आपको बताया तो था इनके शौहर दुबई में हैं और इन दोनों की आपस में सेपरेशन हुई हुई है। फिर भी कोई भाई भांजा भतीजा कोई तो होगा। जी जी भाई का घर है ना नीचे। तो वो ऊपर नहीं आते क्या? भाई हैं ऊपर क्यों नहीं आएंगे? आते हैं। अच्छा और इनके बच्चे?
माशाल्लाह से दो बच्चे हैं, बेटा और बेटी। तो रिश्ता यहाँ क्यों नहीं कर रहे क्या? अरे भाई साहब, रिश्ते का क्या है, जहाँ नसीब में होना होगा हो जाएगा। नहीं मतलब कोई ऐसी गड़बड़, कोई झगड़ा तो नहीं आपस में? वो आए तो पूछ लीजिएगा। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, क्या नाम है बेटा? गुड। और बाप क्या करती हो आप? पढ़ रही। गुड, क्या पढ़ रही हो? मैंने भी बीबी के पास इंटरव्यू दिए। वेल डन। सरमद ने भी एमबीए किया है। वैसे बुरा ना मानिएगा, आपके शौहर? रवाबित जहांगीर साहब। मेरे और मेरे हस्बैंड की अलहदगी हो चुकी है, 14 साल हो गया। उसने दूसरी शादी कर ली। मैंने सकीना से कहा भी था कि आपको बता दे, लेकिन शायद अपने फायदे के लिए उसने आपको नहीं बताया। रबाब की शादी कहाँ करनी, कब करनी, ये डिसीजन मुझे ना तो रबाब के फादर इस डिसीजन में आएंगे और ना ही शादी पर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। और बाकी के रिश्तेदार वगैरह? नीचे मेरे भाई और उनकी फैमिली रहती है, हमारा आपस में इतना ज्यादा आना जाना नहीं, अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते हैं। बेटियां अक्सर माओं के नक्शे कदम पे चलती हैं। आपको नहीं लगता कि जो कुछ आपने किया है वही आपकी बेटी शादीशुदा जिंदगी में करेगी? अगर उसके हस्बैंड ने उसके साथ वही कुछ किया जो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ किया है, तो मैं खुद उसे कहूंगी कि इससे ज्यादा ही कुछ बुरा करे। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। आप कुछ और लेंगे? जी नहीं। चलिए, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। मैं करती। हमारी मामा आ जाएंगी। ओहो, कुछ नहीं होता। तुम मेरा आना बंद करवाओगी? वो कुछ नहीं होता पप्पो। क्या हुआ? बेटी सिर्फ मामू की तो नहीं है। अशर, ये तुम हटो, मैं खुद कर लूंगी। तुम्हारी मामा ने देख लिया ना तो मसला हो जाएगा। आपने मामा से झूठ क्यों बोला? मुझे लगा कि अशर का नाम सुन के उनको गुस्सा ना आ जाए। क्यों? अशर के अंदर अशफाक की परछाई नजर आती है उसे, इसीलिए तो उलझी उलझी रहती है उससे। तुमने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे सब पता है कि उस दिन क्या हुआ था। किस दिन? अच्छा, ज्यादा अनजान मत बनो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम जानती हो कि मैं किस दिन की बात कर रही हूं। आपको मामा पे गुस्सा नहीं आता? पहले आता था, अब नहीं आता। अब तो आदत हो गई है, और जिसकी आदत हो जाए ना तो वो अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना अपना लगने लगता है।
एक तो इस लड़के का मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा खासा तुम सारी कमीजें इस्त्री करके आई थी ना, सब निकाले बैठा है सुबह से कि क्या पहनूं। बेटा ये शर्ट जरा अशर को पकड़ाया। मामा ने पूछ लिया तो कह देना कि पप्पू थक गई थी और मामू को ऑफिस जाना था। अरे मामू है नीचे, तुम झूठी नहीं बनोगी। ठीक है चल बेटा। ये आपकी शर्ट पप्पू ने भिजवाई है। उन्होंने ही इस्त्री की है। ठीक है जा। सुनो कल मैं तुम पे ज्यादा ही गुस्सा हो गया था। सॉरी। क्या देख रही हो जा। जहरा ने बताया कि आप लोग के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आप लोग हमसायों की तरह रहते हैं, तो क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, हमारा मिलना जुलना आना जाना बातचीत ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिस वक्त हम रिश्ता लेकर आए थे तो आप लोग को वहाँ होना चाहिए था। रिश्ता तो जहरा को करना है, वो जिस वक्त जिसकी जरूरत समझेगी उसे बना लेगी। ना हमें उससे कोई शिकायत है ना इतराज है। बात दरअसल ये कि मैंने कुछ और भी सुना है। अब क्या सुन लिया आपने? मेरे हस्बैंड जहरा के ऑफिस गए थे और उन्हें वहां जहरा की रेपुटेशन अच्छी नहीं मालूम हुई। मेरा मतलब उनके किरदार। बस इससे आगे एक लफ्ज जहरा और रबाब लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे। आपको रिश्ता नहीं करना आप बेशक ना करें, लेकिन किसी को इल्जाम लगाने का हक मैं नहीं दूंगी। आप तो बिना वजह गुस्सा कर रही हैं। उठिए। जी मैंने कहा उठिए और यहाँ से तशरीफ ले जाइए। हमारी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है और आइंदा इस नियत से इस घर में आने की जरूरत नहीं है। जाइए। आप तो कल कह रही थी शायद मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैंने घर जाके सोचा, मुझे आपकी बेटी दिल से पसंद है और मैं चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती। आपने ठीक कहा, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती और उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा आप मेरे घर के इर्द गिर्द नहीं नजर आएंगे। जी रबाब, तुम ममानी को बता क्यों नहीं देती हो कि तुम अशर भाई से कितनी मोहब्बत करती हो और उनसे शादी करना चाहती हो? वो नहीं मानेंगे। हमेशा ना उल्टा ही सोचना, मान भी तो सकती हैं। उनके मानने से क्या होता है? अशर ना मुझे पसंद करते हैं ना मामा को। उन्होंने तो मुझे अपने सारे काम करने से भी मना कर दिया। तुम्हारी बात हुई भाई से? कब? कल रात। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं अपनी खुशफहमी और आप सबकी गलत फहमी दूर कर दूँ, ना मैं उनके कमरे में जाऊँ और ना ही उनकी किसी चीज़ों का हाथ लगाऊँ। अशर भाई का ना दिमाग ख़राब हो गया, तुम फिक्र नहीं करो, उनका दिमाग ठीक करना आता है मुझे, मैं बात करूँगी उनसे। नहीं फरी,
तुम कोई बात नहीं करोगे। क्यों नहीं करूं? वो पहले ही मुझसे बहुत खफा है। उनको पता लग गया कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। प्लीज फरीद, बातों में पता नहीं चला सब जा चुके हैं और क्लास का टाइम हो गया। ये लो, ऐसी कॉफी तुमने कभी नहीं पी होगी। अच्छा, थैंक यू। इधर उधर क्या देख रहे हो? नहीं, वैसे अंकल आंटी कहाँ पे? शादी पे गए हैं। कब तक आएंगे? पता नहीं, लेट्स सी। कब तक आते हैं? क्यों? कॉफी पियो। ओ, लाइट को भी अभी जाना था। अब जनरेटर है? हाँ, मैं इसे ऑन करती हूँ जरा। वेट सेकंड। सावल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे। जनरेटर तो होगा ना यहाँ पे? तुम्हें जनरेटर ऑन करना आता है? हाँ, आई कैन ट्राई। नीचे चलते हैं। Thank you. Listen, I think I should leave. Chalta hoon. Coffee to peete jao. Nahin. Aaj nahin, phir kabhi se. Kyun? Jis din uncle aunty ghar pe honge, us din. Anyways, main chalta hoon. See you. वाली क्लास थोड़ी डिफिकल्ट थी। ये वाला सम तुमने किया? यार ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हेलो हेलो रबाब, तुम कहाँ हो? मैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, जल्दी से घर आ जाओ। क्यों? तुम्हारे बाबा आ गए हैं। बाबा आए हैं? अच्छा मैं आती हूँ। चलो मैं निकलती हूँ, ठीक है? ओके बाय। कुछ दिन तो रहोगे ना? जी आपा, कम से कम एक हफ्ता तो रुकूंगा। अपनी बेटी से बहुत सारी बातें करनी है। वैसे वो है नहीं अभी घर पे, वो यूनिवर्सिटी गई है, बस आती होगी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा।
ये शाइस्ता है। ये वही है ना जिनके लिए आपने मामा को छोड़ा था। सोया सहनसी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब क्या हो रहा था? मैं कुछ नहीं, तुम बताओ। ऑल गुड? हाँ हाँ, आई वाज जस्ट गेटिंग बोर। तुम बोर्ड? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम बोर हो रही थी और तुमने अपनी बोरियत मिटाने के लिए अशर को फोन किया? क्यों नहीं कर सकती क्या? Of course, तुम कर सकती हो। I'm just surprised। अच्छा, ज़्यादा surprise होने की ज़रूरत नहीं है। वो actually मैंने तुम्हें इसलिए call की थी कि सुबह थोड़ा early pick कर सकते हो। अभी आ जाओ। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी आ जाता हूँ। फिर हम ऐसा करेंगे कि pizza order करते हैं। एक अच्छी सी film देखेंगे, coffee पियेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तुम और इस वक्त आओगे? क्योंकि मैं नहीं आ सकता। जी, तुम जब घर आओगे ना, आते ही पूछोगे अंकल आंटी कहाँ हैं, और जब मैं कहूंगी कि वो सो रहे हैं तो तुम कहोगे ठीक है, जब वो उठ जाए तो मैं आ जाता हूँ। सही कह रही हो। गुड नाइट। गुड नाइट। रबाब? हाँ फरी। कहाँ हो? फरी कहाँ हो? Happy birthday to you. Happy birthday dear Rabab, happy birthday to you. मुझे तो फरी ने आवाज लगाई थी इसलिए मैं नीचे। हाँ हाँ बेटा, हमने ही बुलाया था। आओ। हमने सोचा कि कल का दिन तो तुम जहरा के साथ ही गुजारोगी, तो क्यों ना एक दिन पहले हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। आओ। Come on, cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rabab. Happy birthday to you. ये लो, अशर भी आ गया। आओ बेटा, कल रबाब की बर्थडे है तो हमने सोचा हम आज ही कर लें। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करने है। मैं आता हूं। कोई नहीं, लेट्स कैरी ऑन। आ जाएगा अभी। चलो बाबा को खिला। केक काटो ना। Happy birthday to you. Thank you, Mama. Thank you so much. Happy birthday, Tita. Thank you. और ये तुम्हारा present. कितना cute. Thank you so much. अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा।
अच्छा ये बताओ बाबा ने क्या दिया? बाबा ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये और ये कहीं ये किसने दिया? बाबा ने? बाबा ने या अशर ने? क्या हो गया मामा, कैसी बातें कर रही हैं? क्योंकि मैंने मॉल में उसे खुद देखा था ये खरीदते हुए, और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो अपनी माँ से? बोलो। आप ठीक कह रही हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये घड़ी बाबा ने नहीं, शाइस्ता आंटी ने बाबा के हाथ भिजवाई थी। शाइस्ता जी, आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए झूठ बोला था मैं, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप इस तरह मुझ पर शक करेंगे। मैं कल सारे गिफ्ट्स वापस कर दूंगी और मैं बाबा को बोल दूंगी कि मुझे आज के बाद से कोई गिफ्ट ना दे, क्योंकि उनकी वजह से आपके लिए नफरत का निशाना मैं बनती। रबा मेरी बात सुनो, शुक्र है वहाँ खाना तो गरम मिल रहा होगा। मुझे देखो, इतने प्यार से पप्पू ने बिरयानी बनाई थी लेकिन ऑफिस से आके ठंडी खाना पड़ी। ने मामा की शिकायत लगाने के लिए मुझे कॉल की है, नहीं पसंद तो मत लेकर जाएगा, मैं मना कर दूंगी। कोशिश करके देख लो, ये बात तुम्हारे खिलाफ जाएगी। जानती हो पप्पू क्या कहेंगे? मेरा भतीजा बाजार का खाना खाएगा क्या? चार दिनों के लिए आया बेचारा, क्या भूखा मार दूं इसे? वैसे एक बात बताओ, तुम उस शर्त वाली बात पे गुस्से में हो ना? पता नहीं। Come on, yaar, just chill. It's Valentine's Day. So? Nothing. मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा वैलेंटाइन अगले 200 साल तक नहीं बन सकता। But अच्छी सी चॉकलेट तो खिला ही सकती हो अपने शहर की। Sunit, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ऑफ है, so please. उसे तो ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अच्छा सुनो, एक काम करो कि तुम यहीं आ जाओ, हम कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे और फिर डिनर भी एक साथ कर लेंगे। बाय। जहरा जी। भाभी आज फरी के ससुराल वाले आ रहे हैं डेट फिक्स करने, बहुत पूछते हैं तुम्हारा, हर बार बहाना बना देती हूँ, अब तो बहाने भी खत्म हो गए। आ जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बहुत बड़ा गेट टुगेदर? नहीं नहीं, सिर्फ घर वाले। कौन कौन है भाई? हम सब घर वाले हैं और अशफाक आया हुआ है तो वो शामिल हो जाएगा। मैं नहीं आ पाऊंगी भाभी।
अम्मी जब ये नहीं आना चाहिए तो आप क्यों जिद करी हैं सर? जहरा, हम एक ही घर में रहते हैं, शिद्दारी के नाते ना सही, हम साई के नाते आ जाओ। भाभी मैं नहीं आ सकूंगी। चल। तुमने इस तरह क्यों कहा? मैं सब सुन रहा था, इनके जाने का कोई मूड नहीं था, आप इन वजह से जिद करी थी। अशफाक की वजह से ऐसा कर रही, तुम नहीं समझो। खैर छोड़िए, अच्छा मैं जा रहा हूँ, किस चीज की जरूरत है मुझे बता दीजिएगा, फोन कर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर जहरा आने की हामी भर लेती तो मैं रबाब और अशर की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करती। खैर अल्लाह जब भी असबाब पैदा करते। कब आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? 7 बजे। मैं समझा शायद परिया। वो अभी यूनिवर्सिटी से आई नहीं है। चाय तुमने बनाई क्या? अच्छी नहीं बनाई। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ। से बात की तुमने? किससे? अशर से। किस बारे में? अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। Come on, you know exactly what I'm talking about. तो नहीं यार, वो मुझे पसंद नहीं करता है शायद। I don't know. ऐसा कब से है? क्या कब से है? यही जो तुमने फील किया कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले हर वक्त उसकी जुबान पर मेरा नाम लेता था, हर वक्त प्रपोज भी करता रहता था। इनफैक्ट अम्मा बस से बात भी करना चाहता था, पर तब शायद मैं ही नहीं समझ पाई। You know what? I just have figured out your case. In fact, his case. वो मुझसे जेलिस है, या फिर उसे लगता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। वेल दिस इज जस्ट माय असम्प्शन, कुड बी रॉन्ग। तुमसे बात क्यों नहीं करती?
क्या बात करूं मैं उससे? उसे क्लियरली बताओ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, जो सच है। और तुम? तुम्हारे बारे में क्या सच बताऊं उसे मैं? May I come in, sir? Sure. Please, Mrs. Zahra, बैठिए। मैं यही ठीक हूँ। तो राशिद साहब, आपने मुझे बुलाया था, आपने ये भी कहा है कि मैंने इस कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड्स किए। देखिए, मैंने ऐसा कब कहा? चले, मैं आपकी बात दोहरा देती हूँ। आपने फरमाया था कि मेरे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें सिर्फ मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ। लाखों का मामला है और अगर मैंने ये रिजॉल्व ना किए तो ये सारा मामला मेरे सर पर आ जाएगा। और आपके पास प्रूफ भी है, आपने कहा था, तो चलिए दिखाएं मुझे प्रूफ। और हाँ, आपने ये भी तो कहा था कि एक्सटर्नल ऑडिट से पहले ये मीटिंग हो जानी चाहिए, वरना मेरे लिए आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। आउट आउट कैसे सर? ये तो खेल ही नहीं रही। हमने उसको बिठाया है वहाँ फिटिंग के लिए। सर, ये बिल्कुल फेयर नहीं है सर। क्या मतलब? लिस्ट उठा के देख लो, जो 11 नाम है उनमें इसका नाम भी है। हमने इसको बिठाया है यहाँ फिटिंग करने के लिए। रोया, चलो आ जाओ। अगर ये बैटिंग करी, मैं बॉलिंग कराऊंगा फिर। चलो यहाँ बॉलिंग कराए, बैट उसको दे। Waka, you know it's bowling too hard to corner, eh? Galat ball ke bhai hai na. Are, fielder phila do sare udhar udhar piche piche. Tum bahut out ho chuke ho, meri batting hai. Sir, main isko main khelna chahta bas. That's a six. Thank you. Yeah, go. Yeah, yeah. Make it good. All right, guys. Let's get up. Big night. Guess what part that is. रुको, क्या करने आई थी? बोलो। कुछ नहीं। तुम मेरे रूम में क्या करने आई थी? आपको देखने आई थी क्या? चोट खाने के। मेरा सर फटे, मेरी टांग टूटे, मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें से क्या? अशर,
किसी किस्म का तकल्लुफ मत करना बाबा से। अस्सलामुअलैकुम मामू। वालेकुम सलाम। भाई किधर हो? ये छोटे छोटे लगवा के आयो, खैर तो है? नहीं बस मामू वैसे ही। खैर क्या कर रहे हो तुम आज? व्हाट्स योर प्लान? कुछ नहीं, नथिंग। चलो हमारे साथ। नहीं आप लोग जाएं, मैं क्या करूंगा आप लोगों के साथ जाके? वही जो हम करेंगे। चलो चलो, मुझे वैसे भी तुम्हारा मशवरा चाहिए, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े भी खरीदे। चलो शाबाश, देखो बैठो गाड़ी में सीधी तरह, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम बड़े हो गए हो। चलो चलिए जाओ, इतने प्यार से कह रहे हैं मामू। चलो गेट इन, शाबाश। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, 14 साल का भी फर्क कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। जब ये 14 साल का था तो उस वक्त हम इकट्ठे क्रिकेट खेला करते थे, हर वक्त मेरे साथ चिपका रहता था, मामू ये मामू वो। तुम छोटी थी, हर वक्त इसके साथ लड़ा करती थी कि मेरे बाबा से दूर रहो, और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ के हमारे साथ रहा करता था, और सारे मोहल्ले वाले इससे तंग थे। कभी किसी का बल्ब तोड़ दिया, कभी किसी की खिड़की, और मैं इसका वकील बन के सबके साथ लड़ता था, मोहल्ले वालों के साथ भी और घर वालों के साथ भी। मगर ये भी दोस्तों से बढ़कर दोस्त है मेरा। पाकिस्तान से और मुझे किसी का फोन आए या ना आए, ये जरूर फोन करके मेरी खैरियत पूछता था। इसी वजह से मेरे महीने का बजट हमेशा आउट रहता था, आपकी वजह से। इग्नोर करिए मुझे, मुझसे कुछ कह रहे हो? आप बाहर तो कोई नहीं बैठे होंगे। मैं भला तुम्हें इग्नोर क्यों करूंगी? मेरा फोन भी रिसीव नहीं किया तुमने। बिजी थी। हाँ जुनेद के साथ शॉपिंग पे गई थी, देखो उसने मेरे लिए ड्रेस लिया है, कैसा लगा? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? कहीं कहीं बाहर चले? नहीं मुझे बहुत काम है। प्लीज कहाँ ना शेर, मुझे बहुत काम है। मैं कॉल करके आती हूँ। एक मिनट, मैं चला देता हूँ। देख तो नहीं रहा ना, पक्का? नहीं इतना टाइट बांध दिया। अच्छा, फरी चलो रवा। पकड़ो, इधर हूँ रबाब। पकड़ लिया था मैंने। नहीं अरे भाई ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? फरी अरे पप्पू आप भी आए, बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं आ रही। फरी कहाँ हो और यहाँ? रबाब फरी पकड़ लिया।
मैं चलूं तुम्हारे साथ? मैं कह दूंगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। नहीं, मैं हैंडल कर लेती हूँ। मम्मी, मम्मी तो बहुत गुस्से में लग रही हैं। अल्लाह मालिक। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? जोया, जोया, ये तुम्हारे लिए। ठीक है। शादी का कार्ड? किसकी शादी का कार्ड? मेरी बहन फरी की। ओह, कांग्रेचुलेशंस। तुम क्या समझे? मैंने क्या समझना है, कुछ भी नहीं। आना जरूर, तुम्हारा इंतजार रहेगा। किस डेट को है शादी? 21st। एक्चुअली मैं 21st को हुई नहीं यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? 21st को मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही हूँ। जाना जरूरी है? हाँ, एक्चुअली मामानी काफी अरसे से इंसिस्ट कर रही हैं और वैसे भी जुनेद भी जा रहा है, तो सोचा उसी के साथ चली जाऊं। मत जाओ। प्लीज। हाँ जुनेद। हाँ बस मैं आ रही हूँ। बाय।
ये क्या है? आपके खत का जवाब? मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा। क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो रबाब। मैंने तुम्हें आज तक कोई भी खत नहीं लिखा। इसको धाका वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो। मंगनी हो चुकी है मेरी और शादी होने वाली मेरी जोया से। आज तुम्हें खत जाने दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं सीधा तुम्हारी मामा के पास जाऊंगा। समझ रहे हो तुम? अशर, जल्दी से गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है। क्यों, मैं क्या हुआ? रबाब ने जहरीली गोलियां खा ली। क्या? अब देख क्या रहे हो, जल्दी गाड़ी निकालो। आए चल। क्या हो गया रही साहब? अल्लाह से दुआ करो वो बेहतर करेगा। अगर खुदा ना खास्ता उसे कुछ होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तो यही सोचा था कि मैंने उसे दुनिया के सारे सुख दिए, लेकिन ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किए? पर अपनी माँ के बारे में तो सोच लिया होता। जो तुम्हारे लिए जीती है, जो तुम्हारे लिए सांस लेती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्यों बचाए मुझे? मर जाने देती। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? पहले दिल और दिमाग दोनों ठिकाने पर नहीं थे, पर अब पता है मामा, आप बहुत बहादुर हैं। बाबा के बगैर आपने सारी जिंदगी गुजारी, हिम्मत से गुजारी, क्योंकि आपके पास मैं थी। मेरे सहारे जिंदगी काट ही लिया है ना, लेकिन आपके बाद मेरे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक शख्स की जिंदगी में ना होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, कभी कभी हो जाती है, क्योंकि वो शख्स आपकी जिंदगी का महवर होता है।
जिंदगी होता, जिंदगी खत्म हो जाती। आप बताएं, अगर मैं मर जाती और नहीं होती तो आपकी जिंदगी में कोई मकसद होता? ये जानते हुए भी जा रही थी माँ को छोड़कर, क्योंकि मेरी जिंदगी का मेरा चले। शबा मैं हॉस्पिटल के बिल्स दे कर आऊँ। अच्छा, मैंने सब पैक कर दिया है। मामा, इनके पैसे इनको वापस करते, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। ठीक है, मैं और अम्मी नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप गाड़ी में निकाल लेता हूँ, आप लोग आ जाए। तुम जाओ, हम टैक्सी में आ जाएंगे। टैक्सी? लेकिन इसकी तबीयत, आप कैसे? उसकी फिक्र ना करो तुम। ठीक है, मैं टैक्सी अरेंज कराता हूँ, साथ साथ ही वापस करता हूँ। जहरा, मुझे अभी पता लगा है, अब कैसी है वो? बेहतर। मिल सकता हूं उससे? प्लीज मना मत कर। बस मेरा बच्चा, बस उम्मीद नहीं छोड़ते, मायूस नहीं होते। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी हर ख्वाहिश पूरी हो, और सबसे बड़ी बात, मुसलमान होने के नाते हमें इस बात को समझना चाहिए, अल्लाह ताला हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे हक में बेहतर होता है, और हमारी दुआ भी यही होनी चाहिए कि वही हो जो हमारे हक में बेहतर है ना? अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो अपने बंदों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, इसीलिए किसी बड़े नुकसान, बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए छोटी तकलीफ दे देते हैं। इंसान को तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, वो इंसान को हर तकलीफ से बचाता है। तुम्हें पता है बचपन में जब तुम रोया करती थी तो मैं क्या करता था? अजीब अजीब शक्लें बनाया करता था और तुम हंस दिया करती थी। इधर देखो, देखो इधर। मेरे बच्चा,
इसी तरह मुस्कुराती रहो। अशर, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो? मेरी कॉल तक उठाना गवारा नहीं कर रहे। सोया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है ये? अंदाजा है कल से कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेस कर चुकी हूँ मैं यार। सोया, सॉरी, घर में इमरजेंसी हो गई थी इसलिए। कैसी इमरजेंसी? अशर, मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही हूँ यार। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते? रबाब की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अच्छा, कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर है। चले। चलो सर। अरे नहीं, बैठो तुम। हामी तुम, मैं सोया। जानती हूँ कैसी तबीयत है तुम्हारी। देखो बाप, मैं तुम्हें यहाँ शर्मिंदा करने नहीं आई, बस जो एक कंफ्यूजन है वो दूर करने आई हूँ। हो सकता है कि हमारे बैठ के बात करने से हम किसी बेहतर फैसले पे पहुंच सकें। जब पहली बार मैं घर आई थी तो फरी ने, मेरे और शाह के बीच में कुछ नहीं है। हैरान मत हो, जाहिर सी बात है, नई नई मंगनी हुई है आपकी, फिर अचानक से आपको ऐसी खबर मिली तो आपका शक तो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे और शेर के बीच में कुछ तो था, लेकिन नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं। यही पूछने आई है। हाँ, कुछ लोगों की ख्वाहिश जरूर थी। जैसे पप्पू और परी और तुम? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी और सर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हम अच्छे कजन जरूर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम तो अच्छे दोस्त भी नहीं, मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चोट पड़ी और ठेस लगी, चिकन कॉर्न थाई, व्हाट वुड यू लाइक?
श्योर? हाँ श्योर. तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? ये तुम्हें किसने कहा? तुम्हारे चेहरे ने, तुम्हारी आंखों. पता नहीं क्या सोचती रहती हो. भूल गई तुम कितनी मोहब्बत किया करता था मैं तुमसे. बात बात पे प्रपोज किया करता हूं तुम्हें. किया करते थे, तुम वैसे नहीं रहे. तो जानती हो ना सब. मेरा मतलब है कि हमारे बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके बाद हमारी शादी हुई. कम करो ना, थोड़ा वक्त दो मुझे. मैं तुम्हें पहले जैसा आशिक बन के दिखाऊं. छोड़े कह रही. हाँ तुम्हें मैंने इसीलिए तो दिया. क्या कहोगे? जो भी तुम कहो. बेकरारी से इंतजार कर रही थी. असल में डरता हूं कि जब कोई प्यार भरी बात करूं तो कहीं तुम शर्मा कर चली ना जाओ. ये क्या है? आपके खत का जवाब. मेरे खत का जवाब? मैंने तुम्हें कभी कोई खत नहीं लिखा. एक चोट पड़ी और ठेस लगी. क्या हुआ? इसका बटन टूटा. लाओ मैं लगा देती हूँ. Thank you.
हेलो सिक्योरिटी, बात करनी है तुमसे, थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? देखो प्लीज इनकार मत करना, मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अशर, अशर, अशर। ये शोर कैसा है? जी बाजी, वो नीचे वालों का बेटा है ना, जिसकी शादी हुई थी। हाँ, वो कल रात से लापता है, पता नहीं कहाँ गया। देखो प्लीज इनकार मत करना, मैं छत पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। कुछ तो बोलो। कुछ भी कहो, गुस्सा करो, मुझे गाली दो, लेकिन कुछ तो बोलो। मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूं। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा बहुत दुख दिखाया है। गाड़ी भी खड़ी है और गेट भी अंदर से लॉक्ड है। यही तो बता रही थी मैं आपको कि दरवाजा भी अंदर से लॉक है और घर में भी नहीं है। तो कहाँ जा सकता है वो? छत पर किसी ने देखा है? नहीं, छत पर तो नहीं देखा मैंने। तो फिर देखो बेटा, जाके देखो उसे। मैं देख कर आती हूँ। अशर, अशर,
कहाँ चला गया है? तुम यहाँ हो, नीचे सब घर वाले तुम्हें तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्चुअली कौन है वहाँ? नहीं, वो हमसाये के बच्चे हैं ना, उनकी बॉल छत पे आ गई थी, बस वो देने गया था। चलो, अम्मी अब्बू परेशान हो रहे होंगे, आओ चलो 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 ना ज़ोया। सच? मुझे तो पहले ही पता था कि उसके दिल में रबाब ही बसती, खुद ही अपने दिल का हाल नहीं जानता था। मैं बात करूंगी अशर से। अम्मी आप क्या बात करेंगी? यही कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस तरह जिंदगी नहीं गुजर सकती। इधर अशर उदास, उधर बिचारी रबाब, दोनों की शादी करवा के ही रहूंगी। और ज़ोया, उस बिचारी का क्या कसूर है? अब ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? पहले तो तुम रबाब की बात करती थी, ये ज़ोया से हिमायत कब से हो गई? अम्मी बात हिमायत की नहीं है, बात उसूल की है। ये सब बातें शबाई को पहले सोचना चाहिए था, ना कि शादी के बाद। पता नहीं कैसा प्यार है उनका, जो आपके समझाने पे मेरे समझाने पे समझ नहीं आया। और जब बेचारी रबाब ने खुदकुशी की कोशिश की तो अचानक उनके दिल में उसके लिए प्यार आ गया। शादी किया उन्होंने, उनसे बोले निभाएं, और उनकी मोहब्बत का तो मुझे समझ नहीं आता। कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी हो जाती है, मर्द का दिल ऐसा ही होता है। कभी ज़ोया से मोहब्बत रही होगी, अब एहसास हुआ कि असल मोहब्बत तो रबाब थी। जो नजरों के सामने रहते ना, उनकी मोहब्बत का एहसास जरा देर में होता है, जब वो दूर चले जाते हैं। जब ज़ोया से मोहब्बत हो गई तो उसे पता चला कि असल मोहब्बत तो रबाब थी। अच्छा, कल को अगर आप रबाब से उनकी शादी करा देंगे ना, तो पता है क्या करेंगे? शादी की रात खड़े होकर बोलेंगे कि ओ, मुझे तो रियलाइज हो रहा है कि मेरी असली मोहब्बत ज़ोया थी। फिर क्या करेंगे अम्मी आप? हमारा अशर ऐसा नहीं है। रहने दे अम्मी, अभी आपने बोला कि सब मर्दों का दिल एक जैसा होता है। सॉरी रबाब, तुम्हारे जज्बात की मैंने बहुत इंसल्ट किया, जैसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना देता, लेकिन तुम्हें धुतकारना नहीं चाहिए था मुझे। माफ कर दो मुझे। ठीक है, माफ किया। और कुछ? थैंक यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हें क्या था? तुम भी तो मोहब्बत करती हो मुझसे। करती थी, अब ऐसा मत कहो। क्यों? सब कुछ आपकी मर्जी से करो, जब आप कहें मोहब्बत करो तब करो, और जब आप कहें नहीं करो तब नहीं करो, और जब आप कहें जियो तो जियो, और जब आप कहें तो मर जाओ। तुमने जो कुछ भी कहना है मुझे, जब तक कहना है तुम कह लो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, शायद पहले से भी ज्यादा। डरना मत, जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर। इस बार तुम्हें कोई मायूसी नहीं होगी।
मुझे घर जाना है। ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं खुद जाऊंगी और प्लीज मैं नहीं चाहती कोई आपको मेरे साथ देखे। आइंदा यूनिवर्सिटी मत आइए। आज के बाद से ना मैं आपसे मिलूंगी और ना मैं आपसे बात करूंगी। क्या हुआ? अभी बता रही आपने नहीं लिखा। ये मैंने नहीं लिखा पहले भी। झूठ बोल रहे हैं। क्या ये आपकी हैंडराइटिंग नहीं है? क्या सच नहीं है कि मेरे आपके दरमियान जो बातें हुई वो हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता? इस खत में कौन सी ऐसी बात है जिससे आप इनकार करेंगे? नहीं है ना आपके पास जवाब? हाँ जवाब है मेरे पास। बाप कोई है जो कि तुम्हें मेरी तरफ से उलझा रहा है। पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत में मजबूर करके और फिर नफरत पर, और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गया। पहले तुम उसे कितनी मोहब्बत करती थी और फिर एकदम। लेकिन इस खत में एक बात बिल्कुल सच लिखी है, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये लाइन कितनी दफा आपने जोया को बोली कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? लोगों से होने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, उसमें से एक झूठी होती है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मोहब्बत नहीं हमदर्दी है, समझे? मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं, और उस शख्स को भी ढूंढ के दिखाऊंगा जो तुम्हारे मेरे बीच में गलतफहमी पैदा करे। कहाँ से आ रही हो? छत से। इस वक्त वो सकीना कपड़े धोकर गई थी तो मैंने कहा उठा लूं, लेकिन वो अब तक गीले। और तो कोई नहीं था छत पर? कौन मतलब? अशर ना ही वो अपने कमरे में है ना ही पूरे घर पर, कहीं वो छत पर तो नहीं है। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ ना। उठ जाए और देख ले, तसल्ली करें।
कहाँ गए थे तुम? अशर प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। रबाब से मिलकर आए हो? गलतफहमी दूर करनी थी। अच्छा, और जो गलतफहमी मुझे है उसका क्या? कौन सी? यही कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। सयाद, प्लीज, शायद मैंने कहा था मुझसे झूठ ना बोलना। बहुत मुश्किलों से तुम्हारे बेवफा होने पे यकीन आया। अरे झूठे होने का तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शक मुझे बहुत दिनों से ही था, लेकिन कल रात जब तुमने प्यार किया, तारीफ की, मुझे लगा सब ठीक है। मगर नहीं, मैं गलत थी। मुझे अब समझ आया कि उस मुस्कुराहट के पीछे बेवफाई छुपी थी। सुहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूं अशर। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूं। तुम खुश रहो जिसके साथ भी रहो, मैं नहीं रहूंगी यहां पर। और एक गुजारिश है तुमसे, रबाब के साथ ऐसा कुछ ना करना। जाओ, मैं बेवफा नहीं हूं। सो यार, शायद तुम्हें भी कुछ कहना होगा मुझसे। बोल दो, तुम भी बोल दो। भाई, मैं कुछ बोलने नहीं आई हूँ, कुछ पूछने आई हूँ। अब क्या करना है आगे? पता नहीं यार। रबाब, सॉरी मैं इस तरह से। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। आप जोया को घर वापस ले आए मेरे कहने पर। इनफैक्ट मैं भी जाना चाह रही हूँ। मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि वो जो सोच रही है वो गलत है। आप मुझे साथ लेके जाएंगे ना? मैं चलती हूँ, मामा वेट कर रही है। रबाब,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? मुझे पता बहुत हर्ट हुई। मैं भी हुई थी जब आपके रशिया की शादी हुई थी, लेकिन मैंने अब अपने आप को समझा लिया। अब अशर के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं। पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि अशर की जिंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। मैं आपके और अशर के दरमियान नहीं आना चाहती। वो तो तुम आ चुकी हो। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। अच्छा, तो मेरी जगह होती तो यकीन कर लेती। पता नहीं, लेकिन अशर कहते तो जरूर मान लेती। आप ही मान जाए। चलिए मैं चलती हूँ। आप और अशर आपस में बातें करेंगे, मेरी बात पे गौर करेगा। मामा, सोया ने आने के लिए इनकार कर दिया और मुझे खुशी हो रही है। मैं ऐसी क्यों हो गई हूं? मैं ऐसी तो नहीं थी ना, इतनी बुरी? किसी का घर बिगड़ता देखकर खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मैं कहीं शायस्ता मंदिर जैसी तो नहीं हो गई? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। सुना तुमने? और तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह पर करवाऊंगी। शादी? ये क्या कहा आपने? तुम्हारी शादी? मैं अब शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अशर ने Thank you.
रुबाब अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो ना तुम चले। आप चले मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है मामा, इसलिए वो मुझे बुलाने आए थे। तो फरी को बुला लेता। ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज जाने दे मुझे। जाओ और जल्दी वापस आना, समझी तुम? रबाब, जहरा, रईसा साहब रबाब किधर है? ऊपर होगी। ऊपर नहीं है, इसलिए नीचे आ गए ना पूछने के लिए। दोपहर से घर पर नहीं हो। कहाँ चली गई? अशर कहाँ है? अशर क्यों? रबाब सुबह से घर में नहीं, परेशान होकर आई थी। सुबह से नहीं मिले? कहाँ जा सकती है? हाँ अक्षर, कुछ पता चला? नहीं, मैं तलाश कर रहा हूँ अभी तो। आपने घर में अच्छी तरह ढूंढा? जहरा दो बार देख चुकी है, अगर होती तो मिल जाती ना। बेटा आज तुम उसे लेकर ही आना,
जहरा को तो बाद में कुछ होगा, मैं उससे पहले ही मर जाऊंगी। उसकी किसी दोस्त का नंबर है तुम्हारे पास? मैं सबको फोन कर चुकी हूँ, कहीं भी नहीं है। तो फिर पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करते हैं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, करना होता तो कब का कर चुकी होती। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी ये सब कुछ फेस करे। मैं जानती हूँ मुझसे खफा है, कहीं छुप गई होगी। बचपन में भी तो यही किया करती थी ना वो, जब भी खफा होती थी तो छुप करके दरवाजे के पीछे छुप जाती थी। अब बड़ी हो गई है ना तो घर से ही चली गई। आपको कैसे पता चला मैं यहाँ? क्योंकि मैं तुम इतनी देर से तलाश कर रहा हूँ। अब तो आप जान गए होंगे, जिनकी जिंदगी में रिश्तों की कमी होती है वो घूमने के लिए भी तन्हाई का इंतखाब करते हैं। क्यों घूमना चाहती हो तुम? आपको नहीं बता सकते। चलो घर चलो ना, तुम्हारी मामा बहुत परेशान हो रही है तुम्हारी वजह से। मुझे नहीं जाना। क्यों? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। आपको क्यों समझ नहीं आता? लेकिन वहां क्या है? नहीं बताऊंगी। और आप जाइए। वरना ऐसी जगह गुम हो जाऊंगी जहां ढूंढने से भी नहीं मिलूंगी महशर आपको। बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो ना सका मेरा हो ना सका। कहां तलाश करोगी तुम उसे? मैं ढूंढूंगी उसे, शायद घर के आसपास ही हो, शायद मिल जाए मुझे वो। मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं, बचपन से लेके आज तक वो जब भी खफा हुई है तो मैंने उसे मनाया, आज भी मैं ही जाऊंगी। जिद मत करो जहरा, इस वक्त तुम्हें भी किसी की जरूरत है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की जरूरत है। जहरा, आप गए नहीं अभी तक? तुम्हें लिए भी घर में कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप बहुत जिद्दी, लेकिन अशर आज मैं आपकी एक बात मानने वाली नहीं। मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ना जाऊं, लेकिन कम से कम ना जाने की वजह तो बता दो मुझे। क्या करेंगे आप जानकर? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जिसे तुम्हें निकलने में मजबूर किया है। मैं अपने लिए खुद एक प्रॉब्लम, अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ।
सब समझाते रहे मुझे। मामा आप और हालात कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करूं, लेकिन मैंने फिर भी की। किसी की नहीं सुनी मैंने, नतीजा देख लिया ना, दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनती हूं, लेकिन अब नहीं बनूंगी, इसीलिए घर छोड़ता है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह घर से निकल जाने पे कोई परेशान नहीं हुआ होगा? ये परेशानी उस परेशानी से कम है। जब मामा को पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया है, तो बहुत दुख होगा। तुम जानना चाहते हैं मैंने क्या किया? ये देखिए। क्या किया तुमने? इसीलिए भाग गई घर से। अब मुझे अपने आप से भी डर लगता है। आज ये क्या है, कल को पता नहीं क्या कर। इसीलिए भाग गई घर से। मैं आपको भूल जाना चाहती हूँ। मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए तुमसे मोहब्बत हुए हैं, तो तुम्हें नहीं बोला, लेकिन तुम तो सदियों से चाहती हो मुझे, कैसे भूल सकती हो? जोया से वादा किया था मैंने कि आपको भूल जाऊं। ये वादा तो मैंने भी किया था उससे कि तुम्हें भूल जाऊंगा मैं। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा भूल तो जाओगे तुम उसे, लेकिन क्या मोहब्बत करना छोड़ दोगे? सच पूछ रहे बाप, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बात कहूं, मानोगी? इस मोहब्बत को रुसवा मत करो। इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? इस सवाल का जवाब है आपके पास? है। शादी करूंगा तुमसे। और सोया, उसका क्या होगा? क्या करी तुम? क्या बात? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? क्या बात है, बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, ये झूठ बोल रही है। मैं बर्बाद हो गई। ये क्या किया तुमने? मानी, ये झूठ बोल रही है, कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा। देखिए ना भाजी, मेरे साथ क्या हो गया? मी
रबाब 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 प्लीज मेरी बात सुनो रबाब प्लीज प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने दो रबाब प्लीज नफरत करती हूँ आपसे नफरत आप कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करने की कोशिश करो खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ काश केस मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता काश अशर बाबा मैंने तुम्हें कहा था ना कोई है तुम्हारे प्यार का दुश्मन यहाँ पे तू खत भूल गई भूल गई हूँ सब कुछ भूल गई हूँ आपकी मोहब्बत वो खत सब कुछ मैं तो आपकी नफरत को भी याद ही रखना चाहती क्योंकि नफरत का रिश्ता भी तो एक रिश्ता होता है ना मैं पूरा रिश्ता भी नहीं रखना चाहती आपसे चले जाए यहां से प्लीज मैं नहीं चाहती कि आपके साथ मुझे कोई देख ले और सोचे जो सकीना के साथ हुआ वो और मैं नहीं चाहती कि हमारे मुताल्लिक कुछ भी मेरे ससुराल वालों को पता चले ससुराल हाँ मैंने शादी का फैसला कर लिया और तमाम इख्तियारात मामा को दे दिए मैं नहीं रहना चाहती वहां जहां आप हैं बात अब मेरे इख्तियार में रही काय परी मेरे फैसले मेरे इख्तियार में खुद कुछ मामा को सौंप चुकी हूँ मैं तुम्हें पता है आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे और शायद आज मेरी मंगनी भी हो जाए नहीं रबाब प्लीज ऐसा मत करो कुछ दिन रुक जाओ मैंने कहा ना फरी मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है तुम अमानी से बात करो ना वो कुछ भी कहके लड़के वालों को रोक देंगी क्या बोल के रोकेंगी कि मेरी बेटी जिससे मोहब्बत करती थी उस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम है और वो लड़का अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए थोड़ा वक्त मांग रहा है और जब तक वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर देता हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे क्या ये कहे मामा लड़के वाले मेरा बाप मुझे पता है तुम्हारा बहुत दिल दुख रहा है लेकिन तुम खुद अपने दिल से पूछ के देखो क्या आशर भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं अब तक दिल से ही पूछ के तो फैसले कर रही थी मैं लेकिन क्या हुआ अब दिल के हाथों और मजबूर नहीं होना चाहती अच्छा और तुम्हें क्या लगता है रबाब कि तुमने जो ये अचानक शादी का डिसीजन ले लिया ये फैसला तुम्हारे दिल का है तुम सिर्फ अशर भाई की मोहब्बत से फरार होने की कोशिश कर रही हो जो कि तुम नहीं कर सकती हो कौन अशर कौन सी मोहब्बत ये तो भूल भी गई तुम किस मोहब्बत से फरार होने की बातें कर रही हो तुम जो भी कह लो रबा मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है जो चलता है चलता रहा जब मैंने ही दिल की बात नहीं सुनी तो क्या फर्क पड़ता लेकिन रबाब अशर भाई हम कोई और बात कर ले प्लीज समझाने की कोशिश तो करती उसको क्या हो गया भाई आपको आपको क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं होगा कम से कम ये कहने की कोशिश करती कि बेशक मुझसे शादी नहीं करनी ना करे लेकिन जिद में आके ये फैसला तो मत करे मैं बाप तो वाकई जिद में आ गई है और मुझे तो लगता है कि उसे इस फैसले से कोई भी नहीं हटा सकता वो खुद भी नहीं
कब आने वालों? आज शाम में। रबाब आ गई। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा क्या नाम है लोग का? रबाब। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर इजाजत दें तो मैं इसे अपनी बेटी बना लूं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, दरअसल मेरी एक ही बेटी है, पहले मैं इससे इसकी मर्जी पूछ लूं फिर आपको बताऊं। मुझे रिश्ता कबूल है, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह से बेटी ने तो मसला ही हल कर दिया। अब यहाँ आओ मेरे पास। लाओ बेटा। हमेशा खुश हो। मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था, मेरे मन को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। कहाँ जा रही हूँ? शायान से मिल। मेरे होने वाले शोहर का नाम क्यों? से बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तो सदियों से चाहती हो मुझे? कुछ तो बोल दो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूँ। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, शादी करूंगा तुमसे। मेरे ख्याल में नीचे खाना लग गया, तुम लोग जाओ खाना खा लो। ये सब क्या है रबाब? कुछ गलत हो रहा है मामा, कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है आशा बेकसूर है। मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी मुझे शादी। सोया
क्या मसला है? किस चीज का शोर मचाया हुआ है? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुमसे अकेले में बात करनी है मुझे। जो बात करनी है यहीं करो। जोया ठीक कह रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। सोया तुम भूल रही हो कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। ओ, याद आया। बाबा, इनको मुझसे अकेले में बात करनी है क्योंकि इनका दावा है कि ये मेरे शौहर है। बात तो इनकी भी सच्ची है, ये कागजी रिश्ता तो है ही हमें, और जब तक ये रिश्ता है इनका हक है मेरे पे। बेशक इन्होंने मुझसे सारे हक छीन लिए हो, लेकिन मैं अभी इनसे इनका कोई हक नहीं छीनूंगी। चलिए। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं शाहन से शादी के लिए तैयार हूं। सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था, मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को हाँक उड़ा डाला। गुड। आप सोच रही होंगी कि मैं आपको मुंह दिखाई दूंगा। फॉर श्योर दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। गेस व्हाट? मुझे आपका सेल्फी चाहिए। सेलफोन? या सेलफोन। आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये इट्स वेरी अनएथिकल, बट मुझे एक्चुअली उसमें से एक नंबर चाहिए। याद है आपको लास्ट सैटरडे मैंने आपको फोन किया था
डिनर में जाने के लिए? क्या कहा था आपने? बंद कर दो फोन, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, आइंदा फोन मत करना मुझे, है ना? एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे आपके, क्योंकि आप मेरी कॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और कोई बार बार तंग कर रहा था आपको, बस वो ही नंबर चाहिए मुझे। और आप परेशान मत हो, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उसे अपने तरीके से समझाना चाहता हूं। You know what I mean? Selfie. इसमें तो सारा डाटा डिलीट है। मैंने डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को याद ही रखना चाहती जो मेरे को साथ है। तो फिर मैं भी भूलने की कोशिश करूं। Yes. आपकी मूड यहां हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी। ऐसा कब तक चलेगा अशर? जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती बेटा। मैं जिंदगी ऐसे गुजारने की चॉइस मेरी अपनी तो नहीं थी। ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन अब इस हकीकत को तस्लीम तो करना है ना। मैंने कब कहा मैंने तस्लीम नहीं किया? हालत देखो अपनी। फरी कह रही थी कि तुमने जॉब भी छोड़ दी। क्या ऐसे ही उम्र गुजार ली? क्या क्या करूं मैं? आप बताएं मैं क्या करूं? भूल जाओ रब आपको। भूल जाओ? अम्मी आप कह रही हैं? जो दिन रात उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती थी, मैं भागता था उससे, लेकिन आप चाहती थी कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाए, और आप कह रही मैं भूल जाऊं उसको? नहीं अम्मी, मैं नहीं भूल सकता उसको। जब मैंने उसे अपने दिल में बसा लिया तो आप कह रही कि मैं भूल जाऊं उसे? नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं भूल सकता उसको। उसकी शादी हो गई है अशर, उसकी शादी हो गई है। तो मेरी भी शादी हो गई थी, वो तो मुझे नहीं भूली। क्या उसने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी थी? तो अब भी मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। मैं उसकी शादी को नहीं मानता, और ये फूफा ने जानबूझ के किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी और रबाब की शादी हो। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं सही कह रहा हूं? मैं एक दिन सब जान जाएंगे कि रबाब के साथ बहुत गलत हुआ और उसके पीछे फूफा है। सावन मेरे
कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पता नहीं। रुबाब कैसी है? पता नहीं। असल में मैंने तुमसे एक्सक्यूज करने के लिए फोन किया। उस दिन काफी तमाशा किया ना मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हुआ तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। हशर, होना तो वो भी नहीं चाहिए था जो हो चुका। अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि आइंदा नहीं करूंगा। ठीक कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। ये दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाएगी। इतना वादा करता हूँ कि आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो? तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ना जाने आइंदा तुम बात करो या ना करो। आज की है ना, आइंदा भी कर लूंगी। हो सकता है अंदर मैं बात ना कर सकूं। बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके फोन किया तुम्हें। मैंने तुमसे शादी करके अच्छा नहीं किया ना। सोया, हो सके तो मुझे माफ। जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। मेरा तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप कहाँ पर हैं? मैं लाहौर। क्या? हाँ अभी अभी पहुंचा। भाई इस तरह अचानक, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? पता चला था सकीना लाहौर आई है, सुन के फौरन निकल आया। सोचा अपने आप को बेगुनाह साबित करके एक बार ही बताऊंगा। भाई लेकिन आप उसको ढूंढेंगे कैसे? इसकी तस्वीर है मेरे पास, कोशिश करूंगा मिल जाएगी। खुदा हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। कैसी अम्मा तू? देख मैं तेरे लिए खाना भी ले आई हूँ और दवाइयाँ भी ले आई हूँ। चल अब उठ ना, ड्रामे नहीं कर बीमार होने के। अम्मा उठ जा, खुद भी ले मुझे भी दे, मैं बड़ा थक गई हूँ। अम्मा क्यों ड्रामे कर रही है, उठ जा ना। अम्मा उठ ना। अम्मा अम्मा उठ जा। अम्मा क्यों नहीं उठ रही? अम्मा
अम्मा तुझे क्या हो गया? अम्मा तू उठ क्यों नहीं? अम्मा अम्मा उठ जाना, अम्मा उठ ना, अम्मा आके खोल, या अल्लाह अम्मा को क्या हो गया? अम्मा उठ जाना, अम्मा देख मुझे, अम्मा क्या हो गया? अभी तो ठीक थी, अम्मा को क्या हो गया? अम्मा उठ जाना, अम्मा अम्मा उठ ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही तू? हेलो आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मामा से बात करवा सकती हैं? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। बेटा जहरा तो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हाँ, आज शिफ्टिंग करना थी ना उसने, मैं नहीं पता। इतना तो पता था कि शिफ्टिंग करनी है, लेकिन आज करनी थी ये नहीं पता था। काफी दिनों से बात नहीं हुई मेरी उनसे। फोन रखकर कहीं पैकिंग वगैरह कर रही होगी। तुम फिक्र नहीं करो, फोन देखेगी तो तुम्हें कॉल कर देगी। जी आंटी, थैंक यू। तुम भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करती हूँ। तुम्हारी बात हो गई तो तुम मुझे बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज़। बाप, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही? हाँ, वो परेशानी हो रही है, मामा कॉल रिसीव नहीं कर रही। ऑफिस कॉल की तो वो आज ऑफिस ही नहीं गई, घर पे थी। तुम कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो मेरी कॉल रिसीव ना करे, तो तुम घर चली जाओ ना। नहीं, घर नहीं जा सकती। क्यों? वो शायान नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता इस तरह अकेले जाना। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम अपनी पुप्पो को कॉल कर लो, आई थिंक वो साथ ही रहती है ना। क्या हुआ है? पप्पू भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। ओ हाँ, तुम्हारे कजन भी तो है, क्या नाम है उसका? अशर। अशर को फोन मिला लो। नहीं, मैं घर ही चली जाती हूँ। चली जाना, पहले कॉल तो कर लो, तसल्ली हो जाएगी। जी अशर, मामा फोन ही नहीं उठा रही है, तनी कहाँ है? बहुत टेंशन हो रही है मुझे, प्लीज आप पता करें, मैं काफी देर से कॉल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मैं कुछ देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके, बुला। आप कैसा फील कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम मेरे पास हो तो मुझे क्या फिक्र है? ये रे, सूप पी। अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे सूप नहीं अच्छा लगता, लेकिन पीना तो पड़ेगा ना, मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, पी ले। ठीक है। एक बात पूछनी थी तुमसे। अशर को कॉल तुमने की थी? रईसा आपा बता रही थी कि अच्छा ही हुआ कि तुमने कॉल कर दी, वरना
वो इस तरह बेहोश पड़ी रहती और किसी को खबर तक ना होती। हाँ, मैंने अशर को कॉल की थी, शायद उनको पता। नहीं, लेकिन आप बेफिक्र हैं, शायद ने जोया अशर को साथ देखा है। जोया और अशर एक साथ आए थे यहाँ? जी, नीचे। जोया यहाँ आई थी? क्यों, नहीं आ सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। फरी को भी मैंने बताया तो वो भी ऐसी हैरान हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अशर और जोया की डिवोर्स हो गई है और आप ये बात मुझसे इसलिए छुपा रही थी ना कि कहीं अशर में मैं दोबारा दिलचस्पी ना लेने लगूं। मुझे ये डर था। मैं शादीशुदा हूं मामा, और मैंने शायान को तस्लीम कर लिया है दिल से, और सकीना वाला किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं अशर में दिलचस्पी क्यों लूंगी, ऐसा नहीं। गर्म करके लाती, ठंडा हो गया। सुनो, मुझे अम्मी की तबीयत के बारे में बता देना, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, हाफ़िज़। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, सच सुनने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो तुम जानती हो, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या मैं यहां सारी रात तुम्हारे इंतजार में खड़ा रह सकता हूं कि नहीं। अरे बाप, एक रात तो क्या, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता। गलतफहमी है ना, मैं यहाँ आपकी सफाई सुनने आई और ना ही ये देखने आई हूँ कि आप मेरे लिए सारी रात इंतजार में खड़े रहते हैं कि नहीं। सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मेरी शादी शायान से हो चुकी है, मुझे अब सारी जिंदगी उनके साथ गुजारनी। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कसूरवार हैं कि नहीं। लेकिन एक बात से फर्क पड़ता है, मेरी मामा को इसी घर में रहना है, और जाहिर उनसे मिलना मेरी मजबूरी है, और उनसे मिलने के लिए मैं इस घर में आती रहूंगी ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे सामने बताया करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज।
सांस ले। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। क्या सच्ची? जी सुना तुमने रबाब? लेकिन ये कुछ कमजोर लग रही हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं दे रही, एक डाइट चार्ट बना रही हूँ, उसे आप फॉलो कीजिएगा। जी जरूर। ठीक है, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम मां बनने वाली और मैं नानी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं, तुम जानती हो जब तुम्हारी शादी शायान से हुई थी तो मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि तुम अशर को भूल नहीं पाओगी। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ हैं आप? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बता। अच्छा पहले आप बताएं। जहरा ने मिठाई भेजी है, जानते हो किस चीज की? किस चीज की? सब आप मां बनने वाले, अब उसका बेटा हो या बेटी, वही सब कुछ होगा उसके लिए, वो और उसका बाप। तुम उसकी जिंदगी में कहीं नहीं होगे, भूल जाएगी वो तुम्हें, बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। तुम भी कुछ बताने वाले थे। छोड़े, इसकी कोई अहमियत नहीं हो। सबा जी, तुम्हें एक बात बतानी है मुझे। जी बोले। सकीना ने एक भाले चुन कर लिया, तो बाप ये सब एक साजिश थी। तुम जानती हो उसके पीछे कौन है? तुम्हारी मामा। जानता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सुनो, साहब मुझे तो वो बीबी जी ने बहुत सारे पैसों के लालच में फंसा लिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह करने को कह रही। मैं तो गरीब, मैं पैसों की लालच में आ गई साहब, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। आप पुलिस को खबर मत दीजिएगा, बहुत बदनामी होगी, मेरी तो माँ भी मर गई है साहब, माफ कर दो मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं सब सच सच बता चुकी हूँ आपको। ये क्या किया मामा आपने? मैं कहती थी ना अशर बेकसूर है, ये क्या किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे माफ कर दो, नहीं करूंगी मां, कभी नहीं करूंगी। मेरी मोहब्बत छीन ली मामा आपने, बर्बाद कर दिया मुझे, अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया आपने। ये क्या किया आपने? ये क्या किया?
रबाब, चलो ऊपर, मैं तुम्हें सूप बना कर देती हूँ, ठीक हो जाओ, आ जाओ। चलो। मुझे रबाब, मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, मुझसे नहीं चला जा रहा बिल्कुल। थोड़ी सी तो हिम्मत कर लो बेटा। क्या हुआ? रईस आप आए हैं घर पे? नहीं, वो तो फरी की तरफ गई हैं। रबाब की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ देर के लिए उसे। हाँ हाँ प्लीज ले जाएं। रबाब उठो बेटा, उठो शाबाश, उठो ना। एक मिनट रबाब। देख, चल लेट जाओ, यहीं पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं। हाँ तुम बेहतर फील करोगे इसके बाद। अच्छा आशा, प्लीज दो मिनट इसके पास रुक जाओ, मैं बस जल्दी से जूस लेकर आऊं। मैं भी आती हूँ। मामा का है? हाँ तुम घबराओ नहीं, मामानी ने मुझे खुद यहाँ रहने को कहा है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे लिए कुछ लेने गई हैं। मैं ऊपर जाती हूँ। सुनो तुम, मैं ही चला जाता हूँ, तुम यहाँ आराम करो। मुझे अंदर जाना है, साज डांटी से मिलना है। कोई भी नहीं है घर पे, कोई नहीं। ठीक है, जो भी यहाँ अंदर रहते मुझे उनसे मिलना है, प्लीज। जी मैं साज डांटी से मिलने आई थी, मैं उनकी बहू शाइन की वाइफ, मुझे इनसे मिलना था, लेकिन वो कह रहे कि वो तो चले गए यहाँ से, उन्होंने तो कुछ महीने के लिए घर किराए पे लिया था, किसी दूसरे शहर से आए थे, माँ और बेटा थे शायद, माँ का इलाज करवाने के लिए किराए पे घर लिया था। अरे क्या हुआ? ड्राइवर जल्दी इनको हॉस्पिटल लेके चलो। उठें, जल्दी से उठें। आप? ओ आशा, आप हैं? जी मैं। ओ थैंक गॉड, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा, वरना माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी तो वो। हाँ जानती हूँ, सातवां महीना है, लेकिन इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो तो शुक्र हम लोग टाइम पर पहुंच गए, वरना। खैर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर्स होंगे और ये ब्लड भी अरेंज करवाना होगा। ठीक है। अशर
रबाब कहाँ है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये मदर है रबाब की। अच्छा आप मेरे साथ आइए, आप प्लीज वैसे करिए जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है आइए। जाएंगे सर। आप कहाँ हैं? हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ओके। रबा प्लीज इसे उठा लो, बहुत रो रही है। जिस घर में ये पैदा हुए हैं रोना इसका नसीब। मैं और आप भला क्या कर सकते? अल्लाह ना करे रोना इसका नसीब। तारीफ अपने आप को दोहराती है मामा। कल बाबा आपकी गोद में मुझे छोड़ के चले। आशा है इसको मेरी गोद में छोड़ के चले। कल कोई से भी कुछ छोड़ के चले जाए, खुशियों की उम्मीद लगाएगी तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। अच्छा है रोने की आदत होनी चाहिए। एक दफा देख तो लो इसकी तरफ। देखूंगी तो उससे मोहब्बत हो जाएगी मुझे। इसे देख देख के जीने लगूंगी, इसके दर्द को अपना दर्द समझने लगूंगी। इसका दर्द देखा नहीं जाएगा, इसका रोना बर्दाश्त नहीं होगा। तो बस इसको किसी से मोहब्बत नहीं होने दूंगी। और इसको मोहब्बत हो भी गई तो इसको इससे दूर कर दूंगी। छोटी छोटी बातों पे रोकूंगी टोकूंगी। कल को इसकी शादी नहीं होगी तो दुनिया वाले मुझसे पूछेंगे ना कि कैसी माँ है। फिर मैं सोचूंगी कि कोई माँ भला ऐसी हो सकती, कोई माँ ऐसा कर सकती है ना? नहीं कर सकती। अशर तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस रेज्यूमेस भिजवा रहा था कंपनीज को। तो वहीं क्यों नहीं चले जाते जहां पहले करते थे? कितना तो बुलाते रहते थे वो। मैं वक्त हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। कल मुझे पैसों की कदर नहीं थी, फिर अपना अकाउंट देखा तो एहसास हुआ कि वाकई मुझे जॉब कर लेनी चाहिए कहीं पे। वैसे भी अब तक उस कंपनी को मुझसे अच्छे एम्प्लॉयज मिल चुके होंगे। फिक्र मत करें अम्मी, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। बस आप दुआ किया करें। बेटा मैं तो सोते जागते तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। उप्पा
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रो रही हो? वो शायद ने मुझे तलाक दे दिए। क्या क्या हुआ बेटा? शायद ने तलाक दे दिए मुझे पप्पो, मुझे तलाक दे। बेटो क्या मुझे बताओ क्या हुआ? उस दिन तो अभी उसने कितनी चीजें, पता नहीं पप्पो वो कैसे कर सकते। एक तरह से अपने मामू की बात है, मोहब्बत की बात है, और दूसरी तरफ ये एक तरह ये डिवोर्स की बात है। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने कुरियर के लिए एक कपड़ा खिलौने भी भेजे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। ये देख इस खत में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माय डियर वाइफ, मैं जानता हूँ तुम यही सोची होगी कि पिछले महीनों में मैंने रास्ता से खत के जरिए किया, कॉल भी तो कर सकता था, बात करके हौसला भी तो दे सकता था। तुम्हारा एहसास है मुझे, क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। अगर कुछ करने नहीं तो मेरा काम कर दो। कहो। ओ मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, हेल्प हो जाएगी। पता लास्ट टाइम जो तुमने शॉपिंग करवाई थी ना, बस वही की है मैंने। पर जनी देखो प्लीज ना मत करना। अच्छा ठीक है, कब जाना है? अभी फौरन। अभी ठीक है, मुझे 5 मिनटों में मैं चेंज। कोई जरूरत नहीं, परफेक्ट लग रही हो। तुम्हारा मूड बदलने में टाइम थोड़ी लगता है, और मैं रिस्क नहीं ले सकता अभी। नहीं बदलता मेरा मूड जिसके मैं 5 मिनट्स में आऊं। ऑलराइट श्योर, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। श्योर। करने में इतना वक्त क्यों ले रही हो? साहिर है अर्शद, पूरी जिंदगी का मामला है, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। तो मैं तुमसे सारी जिंदगी का ही साथ तो मांग रहा हूँ। तुम जज्बाती हो रहे हो। हाँ मैं हो रहा हूँ जज्बाती, क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं, और हमेशा का साथ मांग रहा हूँ तुमसे। हमेशा से तो कुछ भी साथ नहीं रहता अर्शद, लेकिन मैं रहूंगा साथ, और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, समझे? अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं करो, उठो, तुमने टाइम देखा है, बहुत काम है ऑफिस में करने के लिए। ये तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, वक्त गुजरे जा रहा है और तुम मान नहीं रही हो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जोया। अशर तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दो। भाई जल्दी का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए और कहीं कोई मुझे तुमसे दूर ना ले जाए। और अगर कोई तुम्हें दूर ले गया तो? मेरी यादें तुम्हारे साथ होंगी ना, मेरी यादों से पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं है।
सर आप कुछ बाकी रह गया क्या? मुझे गलत समझ रहे हो तुम। काश मैं तुम्हें पहले समझ जाता, तो मैं जोया को समझा देता कि तुम उस जैसी हीरा लड़की के काबिल ही नहीं हो। मैं शर्मिंदा हूं, माफी मांगना चाहता हूं। माफी? वो अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। देखो मैं बस ये चाहता हूं। बस मत आओ उसके सामने। चलो तो कहां रह गए थे तुम? चलो प्लीज बता दो। रबाब, बात सुनो। रबाब, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। क्या बात? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या हुआ है? जानना चाहती है कि क्या हुआ? क्या हुआ? आज मुझे सकीना मिली थी। सकीना? क्यों डर क्यों गई? हम ऐसा क्या किया आपने कि आपके चेहरे के रंग हो गए? मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बातों में मत आना। झूठी है वो, बहुत बड़ी झूठी है, लालची है वो। इसी नतीजे पे पहुंची हूं मैं कि वो एक झूठी निकली। उसने सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन पता है क्या, आज उसने मुझे सब सच बताया। शल साहब तो बेकसूर है, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने पैसों के लालच में आके उनके कमरे में घुस के उन्हें फंसाया है। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे मुझे माफ कर दे बाबा जी, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से इतना बड़ा मसला हो जाएगा। सहरा बीबी जी ने मुझे बहुत सारे पैसों की लालच दी थी और मैं, मुझे नहीं पता था कि अशर साहब को इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने का कह रही है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था बाबा जी। क्यों 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 आपके साथ बड़ी इतनी बड़ी साजिश बनने की? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि जो कुछ शायर ने किया वो शायर ने नहीं आपने किया, ताकि मेरी उम्मीद झूठी उम्मीद बंधी रहे। मुझे तुम बस कोई दलील मत दीजिएगा, मुझे एक दलील नहीं मांगोगे। आप जो चाहती थी वो हो गया। अब अशर से शादी तो क्या, उससे नजर भी नहीं मिला पाऊंगी मैं। एक पल नहीं रहूंगी इस घर, जा रही हूं मैं। और हाँ, मुझे तलाश करने की कोशिश मत करिए, वरना मैं इसके साथ भी वही करूंगी जो आपने मेरे साथ किया।
भाई रबाब मामू की तरफ आई हुई है, आप मिलने नहीं जाएंगे? क्यों भाई? अगर मुझसे खफा होती तो मैं मना लेता उसको, लेकिन वो तो खुद से खफा है, अम्मी से भी नाराज है। अगर उसके सामने आ गया तो चिढ़ जाएगी। भाई आप मामानी को माफ कर देना, ताकि रबाब भी उनको दिल से माफ कर सके। उन्होंने जो मेरे साथ किया उस पर तो शायद मैं माफ कर दूं उन्हें, लेकिन जो उन्होंने रबाब के साथ किया उसमें कैसे माफ कर सकता हूं मैं उन्हें? मैं नहीं मिलूंगी। क्यों? प्यारे रबा बहुत खफा हो ना तुम मुझसे, बात करना दूर, मुझे एक नजर देखना भी गवारा नहीं। बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम, मैं इसी काबिल हूँ। मैंने सचमुच बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, ना तो मैं अशर को तुम्हारे दिल से निकाल सकी और ना ही किसी और की मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगा सकी। शायद धोखेबाज था, बहुत पहले से पता था मुझे, मगर मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। हाँ वो कपड़े, वो खिलौने और वो खत मैंने ही भेजे थे, सिर्फ यही नहीं, इससे बुरा भी किया है तुम्हारे साथ, वो सब जिसको तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अशर ने तुम्हें कभी खत नहीं लिखा था, वो सब खत मैंने लिखे थे। आज मैं अपने किसी अमल के लिए खुद दलील ले दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब बहुत गलत है। मुझे लगता था ये सब करके मैं तुम्हें उस अज़ियत से निकाल लूंगी, जिस अज़ियत में मैंने 20 साल गुजारे। नहीं जानती थी मैं कि ये सब करके तुम्हें और बड़ी आग में धकेल रही हूँ। बस इतना समझ कर मुझे माफ कर देना कि मेरा अमल चाहे लाख हो रहा हो मगर नियत बुरी नहीं थी। मामा मैं आ गई हूं, मामा उठे उठे ना मामा। अच्छा मैं बाबा को बोलूंगी कि आपको अपने साथ घर ले जाए, आप ऐसे नहीं लेटी रहे, प्लीज उठे मुझसे बात करें मामा। और मैंने आपको माफ कर दिया मैंने आपको माफ, मेरे दिल में कुछ नहीं आपके लिए, मेरी आवाज सुन रही है ना आप? मामा उठे उठे ना मामा उठे प्लीज, मामा उठे। अपनी बेटी के लिए ठीक हो जाओ। अच्छा तुम्हें पता है आज मैं अशफाक से क्या मांगने आई हूं? आज मैं अशर के लिए रबाब का हाथ मांगने आई हूं, बताओ तुम्हें मंजूर है? बोलो जहरा,
जहरा बोलो, मंजूर है तुम्हें? कोशिश करो। इधर आओ बेटा। मेरा बच्चा जान, मम्मा की जिंदगी। बेबी कैसी लग रही है मामा? बात पूछो? नहीं। तुम पहले भी इतनी खूबसूरत थी या अब शायद मेरी आंखें खराब हो गई? अच्छा नहीं बाबा, क्या हुआ है? सॉरी। तो बेटी है। अच्छा, अब बताएं क्या बात है? Okay. क्यों चुप हो गई? बोलो, मुझसे बातें करो। क्यों अपसेट थी? तुम्हें अब कोई तंग नहीं करेगा, मामा भी नहीं। मेरी प्यारी बेटी, थैंक यू।